फिर हम लोग एक पुल को दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार में लगातार देख रहे हैं पुल पे पुल गिर रहा है, धराशायी हो रहा है पुल, बस एक झटका आता है बाढ़ का या पानी का, बारिश होता है पुल गिर जाता है, ऐसे भी बनते बनते पुल धराशायी हो जाता है। ये बिहार है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज जिस जगह हम लोग आए हैं, जब अररिया और सिवान की जब नंबर गया तो तीसरा नंबर में एक हमारे चैनल पर चल रहा था पघारी का पुल, जिसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। छोटा सा पुल था लेकिन एक हल्का सा गाड़ी का जो है झटका लगा और पुल फट गया। अब उसी को लेकर के अंदेशा और आशंका हर जगह सताते रहता है लोगों को, जो भाई पुल निर्माण हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन सी गुणवत्ता से हो रहा है और क्या पुल की स्थिति है। आज जिस जगह हम लोग आए हैं, ये आपको जो है हाटी टू पिपरा रोड है, जिस जगह अभी हम खड़े हैं ये, इसको सोनबरसा पुल के नाम से फेमस है ये, और ये बुआरी के पास पुल है ये, जिस जगह हम आए हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है काफ़ी सारा मिस्त्री काम कर रहा है, लगा हुआ है। तो हम लोग आए गुणवत्ता देखने के लिए, जो क्या इस पुल की गुणवत्ता क्या है। हम तो इंजीनियर है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे साइड पे जो इंजीनियर होगा उनसे बात करेंगे। हाँ, इतना हम ज़रूर आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए कैसे सलिया और जाल बांधा जा रहा है और बांधने के साथ कैसे बारीकी से काम किया जा रहा है, इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं आपको। अब इसमें कौन सी कैटेगरी की क्या चीज़ लग रहा है वो तो इंजीनियर जो है वही बताएंगे और वही दिखाएंगे। फिलहाल हमें जो सलिया दिख रहा है, वो सलिया लग रहा है कुछ मोटा सरिया है और मजबूताई के दृष्टि से जाल भी बहुत नज़दीक और अच्छे ढंग से बांधा जा रहा है, जिससे कि लग रहा है गुणवत्ता अच्छा है और अच्छा ढंग से काम हो रहा है। अब आइए हम यहाँ आते हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैं जो साइड पर में इंजीनियर साहब है उनसे भी बात करेंगे और कुछ जो है लेबर जो काम कर रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं आपको, जो देखिए कैसे काम कर रहा है, कैसे पाइलिंग का ढलाई का काम चालू है। और बता दें मानसून गिरने वाला है, तो मानसून गिरने वाला है वो ये लेकर के यहाँ पर मैं जल्दबाजी में काम हो रहा है, ताकि काम जल्दी हो और काम भी गुणवत्तापूर्ण हो, ये भी नज़र रखा जा रहा है और ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे इंजीनियर के द्वारा। समय समय पे यहाँ के ग्रामीण भी आके देखते रहते हैं और नज़दीक में चौक है तो यहाँ पे ग्रामीण तो बराबर आते ही रहेगा, अक्सर आते ही रहता है। तो ये हम देखते हैं थोड़ा ऊपर, ये क्या चीज़ ये बना रहे हैं आप लोग, ये जो डाल रहे हैं ये लकड़ी का, ये क्या है? बल्ला है, बल्ला है, इस पे से जो है सेटरिंग लगेगा। सिवान और अररिया का पुल जो गिर गया है, उससे लोगों में दहशत है, लोगों में एकदम आशंका लगा हुआ है, जो पुल का मटेरियल क्वालिटी अच्छा नहीं दिया जा रहा है, गुणवत्ता के ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, इसके लिए गिर रहा है। क्या यहाँ आप ही इंजीनियर हैं? यस यस, हम इंजीनियर हैं। ये बताइए आप जो सलिया लगा रहे हैं, कितना एमएम का सलिया दिया जा रहा है इसमें? तो हमारा 25 का सलिया है, जो ड्राइंग है इस पर ड्राइंग है, आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, इस पर ड्राइंग ही काम हुआ है। जो सलिया है सामने है, यहाँ पे सारा पब्लिक भी आकर के देखता है, पर डे रिपोर्ट होता है, सारा काम देख रेख में होता है हमारा यहाँ का, इसमें कोई प्रकार का त्रुटि नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सामने, दिखाइए एक बार, देखिए उधर में इतना अच्छा बारीकी से, बारीकी से सहयोगी से आग्रह करेंगे जो एक बार दिखाइए, देखिए कैसे जाल बांधा जा रहा है, कितना एकदम बारीकी से काम किया जा रहा है, ये चीज़ को दिखा रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को भी पता चले जो किस ढंग से काम हो रहा है। और ये काम में एक प्रकार का भी त्रुटि कोई नहीं है, एसपो ड्राइंग जो कह रहा है वो आपका पूरा सरिया दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा जी ये पुल का हाइट कुछ छोटा हो गया? हाइट जो लेवल है ड्राइंग में उसके अनुसार है, अभी क्या है मिट्टी फिलिंग है, इससे पब्लिक में लगता है कि हाइट कम है। अगर लेवल पे जाएंगे तो हमारा लेवल जो कह रहा है वो पानी से जो हाई फ्लड लेवल से बहुत हाइट है, बहुत हाइट। यहाँ जी जो है अभी हमारा जो है अभी मिट्टी फिलिंग है ना, इससे आदमी को लगता है कि हाइट कम है, लेकिन ड्राइंग में जो एज पर ड्राइंग का हाइट है इनका हाई फ्लड लेवल का वो पोजीशन पे। जब पुल निर्माण होने के बाद ये जो मिट्टी है ये सारा हट, हाँ ये हट जाएगा, टोटल मिट्टी को फिर से फिलिंग करके पूरा किया, हाँ, वो फिर चालू करेंगे, उसके बाद दिख जाएगा जो क्या हाँ, है, हाँ, हाँ, है कि अभी भी अगर किन्हीं को अगर शक लगता है तो लेवल चेक कर सकते हैं। हाँ, कोई इसमें कोई प्रकार का सीमेंट का कौन सा ग्रेड दे रहे हैं? सीमेंट ये 43 ग्रेड का ओपीसी हम लोग का, नॉट सेल, नॉट फोर सेल वाला है। हाँ, जो एज पर टाइम है वो डला रहा है मटेरियल। अच्छा, क्या लग रहा है सर अभी जैसे मानसून जो है दस्तक दे चुका है? हम लोग तो मानसून तक चाह रहे हैं कि पहला जो है अपना काम, जो मानसून अभी तो एंट्री कर गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश जारी है कि मानसून से पहले करने का, एकदम फर्स्ट करने, दिन रात एक करके काम करवा रहे हैं। कुछ चीज आपको हम एंटिक दिखाना चाहते हैं, जो चीज हमें एकाएक नजर पड़ा, हमारे सहयोगी को कैमरामैन को एकाएक नजर पड़ गया तो वो हमें दिखाए, जो देखिए ये क्या एक नया नया तरीका देख रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे पुल जब बनता होता है तो वहां पे देखिएगा आप, वहां पर में जो यूज होता है
आज सर इधर आ जाए, वहाँ पे जो यूज होता है तो वहाँ पे क्रेन लोहे का होता है या नहीं तो फिर जो है वो जेसीबी या क्रेन मंगाया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ एक नया तरीके से नया ईजाद किया गया और नए तरीके से यूज किया गया, जगह का स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर मैं देखिए कैसे बना दिया है, पूरा एकदम लग रहा है जो पेड़ ही लगा हुआ है और इसी पे किरान पे जो है सारा काम यहाँ पे मशीन जुगाड़ के थ्रू उस पर डाला जाता है, जैसे प्लेट डालना हो या छड़ डालना हो या यहाँ पे पाइलिंग करना हो तो इसी से आप करते हैं। यस, ये पाइल ठोकने के लिए हम लोग किया जाता है, ये आपका पाइल है जिसको मानकी से ठोका जाता है अंदर, इसी के ऊपर में हम लोग क्या कर गटर रखते हैं, गटर रख करके स्टेजिंग करते हैं। ये लकड़ा का ही बना दिया, ये लकड़ा का वही है ऊपर से मार करके, जैसे वो मानकी रखा हुआ है ना इसके ऊपर से वो थ्रू आउट गिराया जाता है, इसके ऊपर से चोट मार के अंदर दिया जाता है, अंदर दिया जाता है जो कभी अगर पानी आया पानी के अभाव में इसको कटिंग करके ना लेके जाए हमारा स्टेजिंग से। हाँ, इसके लिए तो ये सब दिन के लिए सही रहेगा, ये हाँ फिक्स है, जब तक स्टेजिंग हमारा स्लैब नहीं हो जाएगा तब तक ये जो पानी भी आएगा तो ये मिट्टी को भसा के नहीं ले जा पाएगा। देखिए एक नया और जानकारी मिला यहाँ आने के बाद, जैसे ये नदी का मेन मुंह है, अगर पानी का तेज बहाव आ भी जाता है, बाढ़ के समय में अगर पानी आ भी गया, मानसून दस्तक दे दिया है, अगर आता है तो उसके बाद भी काम चालू रहेगा, अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी दिया गया है, इस मिट्टी का मेन तो जगह है मिट्टी, मिट्टी को रोकने के लिए जो कटाव न हो बहाव न हो उसके लिए ये पाइलिंग किया जाता है। ये लकड़ा देखिए इतना मोटा मोटा बीम और सिलिए जमीन के अंदर धंसाया जाता है, जमीन के अंदर धंसने के बाद मजबूती ये हो जाता है जो मिट्टी का पकड़ बन जाता है, जो मिट्टी भस ना जाए, दह नहीं जाए और काम चालू रहे, काम में अवरुद्ध ना हो, इसके लिए ये दिया गया है। क्या लग रहा है सर, ये मानसून से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ये हमारे तरफ से तो पूरा है कि कंप्लीट करना है, इसलिए दिन रात एक करके काम करवा रहे हैं। आप लोग भी आते होंगे तो देखें, दिन भी काम चलता है, रात भी काम चलता है, पूरा दिन भर काम। कितना लेबर अभी इसमें काम कर? अभी तो हमारा 50 से अबव है सेटिंग टीम, और इनका जो है पाइलिंग वाले का 15 है, लमसम 100 के आसपास सब है। हर एक विभाग का अलग अलग जो है, हर एक विभाग का अलग अलग है, हर एक विभाग का सर। जैसे मान लीजिए मानसून को देखते हुए लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, नाइट डे काम चालू रहता है या फिर बीच में गैप नहीं? गैप तो नहीं करता, डे नाइट एक करके काम करवा रहे हैं मानसून के लेकर के, क्योंकि मानसून आ जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि मानसून से पहले ये काम कम्प्लीट कर ले। ये डायवर्सन बना हुआ है, जब तक पुल का काम नहीं हो रहा है तब तक के लिए डायवर्सन दिया गया है। डायवर्सन आप लोग काम कीजिए, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, ये डायवर्सन बनाया गया है। लेकिन ये जब बाढ़ का पानी अगर आएगा ज़्यादा तो ये डायवर्सन टूट जाएगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने पुल का निर्माण पूरा कंप्लीट करने का जिम्मा उठाया और 24 घंटा जो है काम शुरू रहता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। देखिए कैसे मोटा मोटा जो है लोहा लगा के गाटर दे करके इसको अब स्लैब ढालने की तैयारी की जा रही है। जो स्लैब ढाला जाएगा, ये स्लैब आएगा, ये मेन मुंह है नदी का जो है, ये बीच का मुहान है जो मेन है, जिस पर में अगर कंपलसरी है, क्योंकि ये अगर ढल गया तो साइड किनारे रहेगा तो पानी का अगर बहाव आता है तो इसको खोल दिया जाएगा पाइप डाल के, ताकि पानी भी अपना चलता रहे और काम भी होता रहे, रुके नहीं। इसके लिए यहाँ पर में जो है ये स्लैब ढालने की तैयारी चल रही है और हमें लग रहा है कि 1 से 2 रोज में ये स्लैब का ढलैया तैयार हो जाएगा। क्या यही लग रहा है ना सर? हाँ, ये तो हम फास्ट पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निकाल दें जब मानसून का नदी का मेन मुंह है। हाँ, 20 का पहला कंप्लीट करना जरूरी है, पहला कंप्लीट करना जरूरी है। तो जनता यही उम्मीद करे जो बाढ़ से पहले, मानसून आने से पहले, बाढ़ से पहले ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अगर मानसून अगर और 10 रोज अगर परेशान नहीं किया तो ये सब निकल जाएगा गटर। देखिए इंजीनियर साहब का कहना है, अगर 10 रोज भी अगर मानसून नहीं आता है, रुक जाता है, मानसून अगर साथ देता है, समय साथ देता है, तो जहाँ तक है ये कंप्लीट आधा हो जाएगा। उसके बाद अगर किनारे रहता है तो किनारे का तो आराम से पानी भी बहता रहेगा, फिर भी काम हो जाएगा। उम्मीद लगाया जा रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पुल कंप्लीट हो जाएगा। और खैर ठीक है, गुणवत्ता के बारे में तो हम आपको बता ही दिए, और जहाँ तक है देख ही रहे हैं जो कैसे स्लैब ढलाई हो रहा है, कितना बारीकी से काम हो रहा है। फिर हम लोग एक बार आएंगे जब इसका ये स्लैब ढलने का समय रहेगा, जिस समय ढलेगा उस समय आपको आके दिखाएंगे जो किस ग्रेड की सीमेंट दी जाती है और किस तरह की गुणवत्ता के साथ काम किया जाता है। तब तक बने रहिए आप इस खबर में।